उज्जैन पहुंची मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शाम को कीर्ति मंदिर में विक्रमोत्सव के शुभारंभ समारोह में हुई शामिल। बड़ी संख्या में राज्यपाल को सुनने पहुंचे लोग। आनंदीबेन पटेल ने कहा, राजा विक्रमादित्य एक महान राजा थे और उनका गुणगान और उनका इतिहास सबको बताने की जरूरत है। विक्रम वेदाल की कहानियों का प्रदर्शन भी चैनल पर प्रसारित होना चाहिए। दो दिवसीय कार्यक्रमों के लिए उज्जैन आई मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। शाम को विक्रम कीर्ति मंदिर में होने वाले विक्रमोत्सव के शुभारंभ के मौके पर आनंदीबेन पटेल ने शुभारंभ किया। इस मौके पर धर्मस्व विभाग के सचिव मनोज श्रीवास्तव भी शामिल हुए। राज्यपाल रात उज्जैन में ही विश्राम किया और सुबह वेद नगर स्थित आनंद गृह का निरीक्षण करेगी। तत्पश्चात राज्यपाल 12 बजे देवास के लिए रवाना हो जाएगी। आज शुभारंभ के मौके पर राज्यपाल ने विक्रमादित्य के इतिहास को याद किया और बताया कि इस तरह के कार्यक्रम की अत्यंत आवश्यकता है ताकि आने वाले समाज विक्रमादित्य के कार्यों को याद रख सके। महाकाल की यह नगरी उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव समारोह में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। विक्रमादित्य उज्जैन के लोकप्रिय राजा थे जो अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य का संस्कृत और भारत क्षेत्रीय भाषाओं में एक लोकप्रिय व्यक्तित्व है। विक्रमादित्य भारत के गौरव और अप्रतिम शासक थे, हमारा गौरव है। राजा विक्रमादित्य संबंधी विवरण पुराणों, साहित्य, लोक साहित्य, अनुश्रुति आदि के साथ ही अरब, मंगोलिया, तिब्बत सहित विभिन्न देशी विदेशी प्राचीन अर्वाचीन भाषाओं में प्रकाशित और प्रचलित है। साहित्य के अनुसार विक्रमादित्य का वर्चस्व श्रीलंका, केरल से नेपाल, कश्मीर और बंगाल से अफगानिस्तान तक व्यापक था। उनकी ऐसी आदर्श और लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कि वैसा ही आदर्श शासक बनने की लालसा में कितने ही परावर्ती शासक विक्रमादित्य उपाधि ग्रहण करने में गौरव का अनुभव करते रहे। विक्रमादित्य के आदर्श भगवान श्री रामचंद्र रहे और उन्होंने राम राज्य को अपने राज्य का आदर्श माना। उनका युग राम राज्य या सत्य युग माना जाता था। सम्राट विक्रमादित्य संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। कहानियां जो है जिसका दूरदर्शन पर काफी समय तक कहानियां चलती थी, तो हम लोग भी देखते थे। मुझे लगता है कि कहानियां फिर से आपके माध्यम से दूरदर्शन में दिखाया जाना चाहिए और बच्चों को ये कहानियां दिखा फिर उसको बच्चों को दिखाना चाहिए। विक्रमादित्य भारत के महान शासकों में से एक थे। उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में देखा जाता है। अपनी बुद्धि, पराक्रम और जुनून से उन्होंने आर्यावर्त के इतिहास में अपना नाम अमर किया। एक न्यायप्रिय शासक थे। प्रजा वत्सल नीतियों के फलस्वरूप विक्रमादित्य ने अपने राज्य कोष से धन देकर दीन दुखियों को साहूकारों के कर्ज से मुक्त किया था। साल और उसका विस्तार हुआ है और इसमें बहुत सारे चीज़ें जोड़ी गई हैं। एक अभिजीत भट्टाचार्य के कार्यक्रम तो आप लोगों ने जानते ही हैं कि वो होगा और उसके साथ साथ कवि सम्मेलन भी अगले दिन होगा। उसके पहले बहुत सारे विमर्श के कार्यक्रम भी हैं। कालगणना पर भी जो हम लोगों की वो है, विक्रमादित्य ने जब विक्रम संवत आरंभ किया तो वो विक्रम संवत हमारे लिए देश के पराक्रम का प्रतीक संवत था, क्योंकि शकों को 95 शक राजाओं को परास्त करके उन्होंने शकारी की उपाधि धारण की थी और उसके उपलक्ष्य में ये संवत प्रवर्तित किया था। तो आज माननीय राज्यपाल महोदय ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में जो है महाराज विक्रमादित्य और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला और विक्रम संवत के